अभी हम मौजूद हैं शास्त्री पार्क में, जो कि RW होती है, शास्त्री पार्क के नाम से RW है। जो समस्याएं यहाँ आती हैं छोटी छोटी, और जो काम कराते हैं हमारे बीच में अमित जैन जी हैं, अरे उनसे पूछते हैं कि आपके पास जैन साहब जो समस्याएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जैन है, मैं RW का अध्यक्ष हूँ शास्त्री पार्क से। जो समस्याएं आपके पास आती हैं छोटी छोटी इलाके की, वो किस प्रकार से, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? जैसे यहाँ लोकल लोग हमारे पास समस्याएं लेके आते हैं, बिजली की, पानी की, सड़क की, हम उनकी संबंधित विभाग से मीटिंग बुलाते हैं। जैसे भी हमने पिछले वीक बिजली विभाग के अधिकारी बुलाए थे, उनकी सारी समस्याएं दूर कराई। लोगों की समस्याएं थी कि तार लटक रहे हैं, बिजली का कट बहुत होता है, रात को दिक्कतें आती हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं, ख़राब पड़ी हैं। उन संबंधित विभाग को बुला के सारी वो समस्याएं दूर कराई गई हैं, जिससे कि लोगों में लगा कि हमें समस्याएं लोगों की हो गई, निवारण कर दिया गया है। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले सफाई की व्यवस्था थी बहुत गंदी थी, हम अपने निगम पार्षद जी से मिले, मेयर साहब से मिले, तो उन्होंने हमारी समस्या का समाधान करवाया। अब आप शास्त्री पार्क रोड पर जाके देखिएगा, डेली सफाई हो रही है, मशीनें लग रही हैं, कूड़ा डेली उठ रहा है, नालियाँ निकल रही हैं। ऐसे क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं यहाँ की जनता के लिए, अगर कोई भी परेशानी आती है, जो लोग हमारे पास आते हैं हमारे यहाँ के, हम उन्हें तुरंत दूर कराने की कोशिश करते हैं, और कोशिश क्या करते हैं, करा ही देते हैं। अच्छा, आपके पास जब RW इलाके की है, तो पहचान पत्र, आधार कार्ड या पेंशन वगैरह की समस्याएं भी आती होंगी, उन्हें कैसे कराते हैं आप? जैसे हमारे पास लोग आते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन आजकल बंद है विधायक कोटे से, फंड नहीं है दिल्ली सरकार पे, लेकिन फिर भी हम जो है क्या नाम जी, लोगों की जैसे आधार कार्ड की समस्याएं होती हैं, पहचान पत्र की होती है, उसके समय समय पर हम कैंप लगाते हैं यहाँ पे, अपने ऑफिस पर RW के ऑफिस पर कैंप लगाते हैं, और उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र या पेंशन वगैरह जो भी समस्याएं होती हैं, हम उनकी निःशुल्क यहाँ कैंप लगा के दूर कराई जाती है उनकी। अभी आपका इलाका पुलिया के पास बहुत पानी भरा रहता है, टूटा हुआ, इसे क्यों, लोगों की बहुत शिकायत है वहाँ से देखा, तो इसे क्यों नहीं कराते आप? ऐसा होता है कि जैसे पानी ज़्यादा था, बारिश अभी कुछ दिन पहले ज़्यादा थी, तो जलभराव हो गया था, लेकिन हमने स्थानीय विधायक से मिलकर वो दूर करी, और उन्होंने कहा कि अब अगले महीने की सड़क दोबारा बनाई जाएगी, ये जो पुरानी सड़क टूट गई है, सारी शास्त्री पार्क की सड़कें नहीं बनाई जाएंगी तोड़ के, तो जलभराव की जो निकासी है अब दूर हो गई है, नालियों की सफाई हो गई है, नालों की सफाई हो गई है, तो उससे क्या है कि जल की निकासी जो थी वो साफ हो गई है, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी आपके यहाँ जैसे कूड़ादान रखा हुआ है, बाहर एक टिपर रखा हुआ है, और वो जब ट्रक उठा के कूड़ा ले जाते हैं और वो बीच रोड में छोड़ देते हैं, RW इसके लिए क्या सुझाव है? अभी 31 तारीख को हमारे यहाँ मेयर साहब का दौरा है, श्याम सुंदर अग्रवाल जी का, ऐसी कुछ कहते हैं तो हम उनसे खुद मिले थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक या दो महीने के अंदर शास्त्री पार्क में वाईफाई लगवा देंगे। पहले उन्होंने हमें वायदा किया था कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से शुरू करेंगे वाईफाई, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं लगाया अभी तक, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम वाईफाई पूरी शास्त्री पार्क को कनेक्ट करेंगे वाईफाई से। CCTV कैमरे कितने हैं आपके यहाँ? अभी हमारे यहाँ प्राइवेट CCTV कैमरे हैं, जो लोगों ने अपने बेस पे अपने खर्चे से लगवा रखे हैं। दिल्ली सरकार का अभी CCTV कैमरा एक भी नहीं है, लेकिन जो अपने लोगों ने लगवा रखे हैं, वो काफ़ी तादाद में लगवा रखे हैं लोगों ने। CCTV कैमरे भी लगवाए हैं RW के माध्यम से, लोहे के गेट भी लगवाए गए हैं, जिससे कि चोरी रुक सके। इसलिए गेट तो बहुत दिल्ली सरकार और वैसे भी भागीदारी से लगते हैं, तो इससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन इसे भी सरकार प्रोत्साहन नहीं कर रही है। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार की या विधायक फंड से कोई ऐसा गेट नहीं लगा है, अगर हमारे यहाँ गेट लगवाए गए हैं तो RW रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से, यहाँ के जो माननीय लोग हैं या जो जनता है, जनता ने अपने पैसों से गेट लगवाए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ना कि कोई विधायक ने लगवाए हैं। तो संबंधित अधिकारी इस पर शीघ्र ध्यान दें, क्योंकि शास्त्री पार्क के अंदर जन समस्याएं ज़्यादा हैं और काम किए गए कम, वादे किए गए ज़्यादा, पूरे किए नहीं गए अभी तक। आप लोगों से निवेदन है, संबंधित अधिकारी इस पर शीघ्र ध्यान दें। नेता इलेक्शन के टाइम तो दिखाई देते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जन समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं। आशा करते हैं शीघ्र ही इसके बाद उनकी जन समस्याओं का निवारण होगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। रंगारंग प्रोग्राम रंगली चरखी रात 9 बजे ते गूंजा हिट, जिस विच असे सिर्फ प्रोमो ही दिखानिया रात 10 बजे सिर्फ ते सिर्फ विदा चैनल ते। तुसी वेख साडा सुपर हिट धार्मिक प्रोग्राम गुण गावा सवेरे 7:03 तो लेके 10 बजे तक, ते यही प्रोग्राम रात 8 बजे। रंगारंग प्रोग्राम रंगली चरखी रात 9 बजे
ते गूंजा हिट जिस विच असे सिर्फ प्रोमो ही विखाने रात 10 बजे सिर्फ ते सिर्फ विदा चैनल।